नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में कोविड टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए, कहीं ये 2200 रुपए होती है तो कहीं 4500 रुपए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि कोविड टेस्ट की अधिकतम कीमत तय करें, राज्य चाहे तो उससे कम कीमत रख ले। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 2877 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना केस के इतने ज्यादा मामले आने का दिल्ली में ये पहला मामला है। वहीं पिछले 24 घंटे में 35 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 49,969 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से अब तक 1,959 मौतें हुई हैं। भारत में एक दिन में कोविड 19 के रिकॉर्ड 12,881 मामले आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 3,66,946 पर पहुंच गई है। साथ ही 334 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 12,237 हो गई है। दिल्ली के अशोक विहार थाने से एक ही दिन में 3 वारदातों की खबर से इलाके में दहशत बनी हुई है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटी सी बहस को लेकर गोलगप्पे बेचने वाले ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को चाकू से गोद दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं महिला का भी अस्पताल में गंभीर इलाज चल रहा है। दूसरी घटना इसके साथ लगते इलाके भारतनगर थाना क्षेत्र वजीरपुर जेजे कॉलोनी की है। यहाँ की बुनकर कॉलोनी के रहने वाले दीपक नाम के युवक की गोली मार आरोप शंटी नाम के शख्स पर है। इस पर पहले भी मामले चल रहे हैं। तीसरी घटना में डीसीपी ऑफिस के कुछ ही दूरी पर मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ सरेआम एक महिला से बाइक पर आए 2 बदमाशों ने पर्स छीन लिया। महिला अपनी सहेली को गिफ्ट देने आई थी। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश कर रही है। बिना मास्क सड़कों पर घूमने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से बिना मास्क सड़क पर घूमने वालों तक चालान पहुंचाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को अब प्लाज्मा थेरेपी दिए जाने की तैयारी चल रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, संक्रमण से जूझ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की दरों में काफी कटौती की गई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर वी के पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसके मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन में आइसोलेशन बेड मिलेंगे। इसके अलावा 13,000 से 15,000 रुपए प्रतिदिन में आईसीयू बिना वेंटिलेटर के मिलेंगे। दिल्ली के सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक जैकिशन अब अनलॉक होने के बाद भी जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाकर उनकी मदद कर रहे हैं। इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों की मदद की थी। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।